उसकी डेथ हो गई है एएमएस की वजह से। कांड पे कांड पे कांड हुए जा रहे हैं यार। भाई साहब हम लोग ना बिहारों के कैंप में पहुंच गए 15,700 फीट। तो भाई अभी कुछ यहाँ के लोग मिले हैं लोकल। मेरी लापरवाही थी थोड़ी, टायर तो खिसक नहीं रहा, खोलना पड़ेगा। और तभी कहते हैं भाई लद्दाख राइड बच्चों को खेलनी है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। भाई सुबह के ना 10 बज के डेली ऐसा होता है हमारे साथ में, एडिटिंग वेडिटिंग करते करते टेंट से निकलते निकलते बहुत टाइम हो जाता है। जिस गांव में हम लोग रुके हुए हैं ना, इसका नाम है नीरक, ये पड़ता है भाई जांसकार में। सारे स्लीपिंग बैग हमारे पैक हो गए और बगल में ना हमारे टेंट की पहाड़ों से पानी आ रहा है और ऐसी जमीन के नीचे से निकलेगा भाई, तो इसी में नहा लेते हैं, पानी तो ठंडा है यार। चलो भाई नहाई धुलाई हो गई है, अच्छे से नहा लिए। ये हमारा टेंट लगा हुआ था भाई और ये कुछ ऐसी लोकेशन थी, पीछे पूरा जंगल ही जंगल है भाई और यहाँ पे एक ना पानी चल रहा था और ये सामने इधर ये देख रहे हो, ये यहाँ पे एक वॉशरूम बना था तो फ्रेश होने के लिए हमको उधर जाना पड़ रहा था इस जगह। और ये पीछे देख रहे हो पहाड़, भाई साहब क्या ही खतरनाक लग रहे हैं यार पहाड़। और नीचे ना इस पहाड़ के जस्ट नीचे भी मैं दिखाऊंगा आपको जांसकार रिवर है। और भाई अभी ना चेक करवा के ही आना। तो भाई साहब हमको राइड करते करते काफ़ी टाइम हो गया और हमारे ना पैसे वैसे सारे ख़त्म हो चुके हैं, तो हमने रोहित को यहाँ पे नौकरी पे लगा दिया। छोटू दो चाय। हाँ तो भाई जी हम ना तैयार हो चुके हैं अपनी राइड के लिए, आगे निकलते हैं। और ना एक मसला है, मैंने आपको रात को बताया था ना कि जिस रूट को कवर करने के लिए हम यहाँ पे आए थे, वैसे तो ये रूट पूरा ही नया है, हम जिस भी रूट से जाएंगे नया ही होगा हमारे लिए, लेकिन मेरे को ना निम्बो वाला रूट पे कवर करना था, लेकिन वहाँ से ना बीआरओ वाले जाने नहीं देते। अभी वो रूट ना सबके लिए खुला नहीं है, सबके लिए क्या किसी के लिए नहीं खुला, बस बीआरओ वाले ही उस रूट पे जाते हैं, निम्बू वाले रूट पे। तो अपन जाएंगे पहले बीआरओ वालों से पूछेंगे, अगर वो परमिशन देंगे। मैंने ऐसे सुना है कि ना कभी कभी जैसे संडे को वो लोग छोड़ देते हैं राइडर्स को, जाने देते हैं, लेकिन डेली नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा है कि जिस दिन ब्लास्टिंग नहीं हो रही है, काम नहीं हो रहा है, तो उस दिन वो छोड़ देते हैं। तो अगर हमारी किस्मत, अगर आज काम ना हो रहा हो, अगर हम वो छोड़ दें, तो एक बार पूछ लेंगे, अगर वो परमिशन देते हैं तो निम्बू वाले रोड से चलेंगे। वहाँ से जो ले पड़ेगा ना हमें इस जगह से 70 किलोमीटर पड़ेगा, बाकी घूम के जाना पड़ेगा तो 180 किलोमीटर करीब पड़ने वाले हमको यहाँ से ले। भाई साहब हमारा डेली का वही पंगा भाई, निकलते निकलते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, अभी भी ना 12 बज गए और अभी 12 बजे हम वहीं पे हैं जहाँ पे कल रात को हम रुके हुए थे। तो अभी रुके ही हुए तो आपको कुछ मैं दिखाता हूँ यहाँ से। इस टाइम ना मैं ये मेरे पीछे जो रिवर देख रहे हो ना, ये जांसकार रिवर है और ये रिवर ना जांसकार से ही निकलती है और आगे एक निम्बू करके जगह पड़ती है वहाँ तक जाती है। और इसी रिवर पे ना जनवरी में स्टार्ट होता है चादर ट्रैक। भाई मेरा था कि मेरे को एक बार ना चादर ट्रैक करना है, इस बार देखते हैं जनवरी में अगर मौका लगेगा ना तो चादर ट्रैक करेंगे। और ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, 2 से 3 दिन का ट्रैक होता है, आपको 1,000 से 2,000 रुपये गाइड के लगते हैं और 1,000-1,200 रुपये ट्रैक उसके पोर्टर के लगते हैं जो आपका सामान कैरी करेगा। ठीक है, अगर आप अपना सामान खुद कैरी कर सकते हो, मतलब कुकिंग का सामान, टेंट हो गया, स्लीपिंग बैग, आपके कपड़े, तो आप खुद कैरी कर सकते हो, आपको गाइड की पोर्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते आपको पोर्टर लेना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से 2-2-4-5-6-8-10 से 12-15 हज़ार में ना आपका चादर ट्रैक हो जाएगा आराम से। ये बहुत बुरी तरीके से ना पूरी तरीके से जमी हुई मिलेगी, इसी रिवर पे ना लोग चल चल के जाते हैं और ट्रैक करते हैं, 2 दिन इसी रिवर पर रुकोगे। और बीच में ना आपका कोई रुकने के लिए आपको हॉस्टल होटल वगैरह नहीं मिलेगा, बीच बीच में ना कई सारी केव्स पड़ती हैं, उसी केव्स के अंदर आप लोग अपना कैंपिंग करोगे। ठीक है, काफ़ी मतलब एडवेंचरस एक्सपीरियंस है यार। चलो भाई अब निकलते हैं यहाँ से, कल रात को हमने यहाँ पे कैंप लगाया था भाई, अगर आप भी आ रहे हो कैंप वैम्प लगाना है तो भाई से पूछ लेना, भाई जगह बता देंगे। तो यहाँ पे कैंपिंग की जगह और है, लेकिन उसके लिए पे करना पड़ेगा आपको, वो टूरिज्म डिपार्टमेंट की जगह है, ये नीचे यहाँ पे कैंप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए चार्जेस है। भाई ये सामने देख रहा हो, यही था नीरक विलेज जहाँ पे हम लोग कल रात को रुके हुए थे, और ये नीचे जांसकार रिवर। और जब मैं आपको निम्बो वाला रूट बता रहा था ना, ये देख रहा हो ये ऊपर वाला रूट, ये जहाँ पे घर बनाए दिख रहे हैं, ये ऊपर बीआरओ के ऑफिस है। तो यहाँ से रास्ता है नया वाला रास्ता, मतलब अगली साल तक ये खुल जाएगा, और उसके बाद यहाँ से इस जगह से ले मतलब मात्र 70 किलोमीटर रहेगा। अभी का जो रूट है वो इधर से है, इधर से हम लोग जाएंगे और ये रूट पड़ेगा भाई हमें लगभग 200 किलोमीटर प्लस है। सर ये निम्बू वाला रूट कौन सा है? बंदे जाने नहीं दे रहे अभी, अब निम्बू के ही सोच के मैं इधर से आया था, मुझे पता ही था रूट बंद है, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था निम्बू का स्टार्टिंग में पदम के पास में। ये कब तक खुलेगा? तीन चार मतलब नेक्स्ट सीजन में खुल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से 70 किलोमीटर ले पड़ रहा है ना?
150 यहाँ से 150 किलोमीटर पड़ेगा और इधर से 200। अच्छा, लेकिन वहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें फिर 188 किलोमीटर ले लिखा हुआ है पदुम में, वो गलत बोर्ड लगा हुआ है। वो सही बोर्ड है, 188 किलोमीटर इधर उधर रूट से। हाँ हाँ, अच्छा ये लामा यूरू वाला है। ये रोड सही है सर, ऑफ रोड तो नहीं है इसमें ज़्यादा? नहीं, थोड़ा है, ऑफ रोड नहीं है। आगे सही है। ओके भाई साहब, क्या नज़ारे हैं यार, क्या खूबसूरत लग रहा है भाई। अभी हम ना काफ़ी ज़्यादा हाइट पे आ गए, इतनी हाइट पे कि मेरा सर भी चकरा रहा है और ये माउंटेन्स को देख के तो और ज़्यादा चकरा रहा है भाई। क्या अजीब से स्ट्रक्चर है यार, क्या खूबसूरत लग रहे हैं भाई साहब। कुदरत का भाई कोई कहना नहीं है, घर में बैठे रहोगे तो ये सब नहीं देखने को मिलेगा। बाहर निकलो, आओ यार, लद्दाख घूमो, जांस्कर घूमो, इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह आपका इंतजार कर रही है मेरे भाई। चट तो भाई बड़ी मुश्किल से ना अभी निराग से लगभग 10 किलोमीटर आगे आए। निराग में टावर आ रहे थे लेकिन बहुत कम आ रहे थे, अभी ना थोड़ी सी 10 किलोमीटर आगे आए और हमें ना यहाँ पे टावर लगा मिला है, तो यहाँ पे बैठ के ना मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ भाई। भाई साहब रास्ते बड़े खराब आ गए यार, पूरा ऑफ रोड आ रहा है और ना रास्ते ऐसे, अभी ना पीछे कट निकला था लिंक सेट करके कोई गांव था, अब पता नहीं वहां से रास्ता था ले जाने का कि ये वाला रास्ता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे भाई साहब सामने देखो खतरनाक वाटरफॉल है। अरे भाई लोगों, ये ले जाने का रास्ता यही है? कितना दूर है यहाँ से? कितना? 100 किलोमीटर है। हाँ कैमरा है। हाँ आप शूट हो रहे हो, आप दिख रहे हैं, आपका गमछा भी दिख रहा है, आपका टोपी भी दिख रहा है। कहाँ से हो आप? झारखंड, उत्तराखंड। ये पानी भरने के लिए यहाँ पे आते हो? साइट कहाँ है? रोड का काम करते हो? अच्छा, तो अभी 2-3 महीने काम करोगे, उसके बाद तो बर्फ पड़ जाएगी। 4 महीने? अक्टूबर में। अच्छा अच्छा, चलो भाई साहब, बाय बाय। भाई लेह की तरफ को जा रहे थे, देखिए यार रास्ते में ना एक सुंदर सा भाई वाटरफॉल देखने को मिला है और बहुत देर से ना सोच रहे थे यार कहीं पर रुक के ना कुछ खाने को बनाते हैं, तो यहाँ पे रुक के ना मैं मैगी बनाने वाला हूँ। यहाँ पे पानी भी है, हवाएं भी ठंडी चल रही है, ठीक है, तबीयत भी जल्दी ख़राब हो जाएगी, तो जैकेट पहन लेंगे भाई। अभी ना कांड हो गया भाई, कांड क्या हो गया, डेली कुछ ना कुछ कांड होता है भाई। अभी ना हमने एज गैप पे रुक के ना वीडियो रील्स वगैरह बना रहे थे, वहाँ पर ना मेरा जैकेट मैंने रोहित की बाइक के ऊपर रखा था और मैं जैकेट पहनना भूल गया और रोहित ने भी बाइक चलाई और जैकेट नीचे गिर गया। यहाँ से 4-5 किलोमीटर पीछे हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ जैकेट लेके आता हूँ यार। एक काम करते हैं, जब तक मैं अपना जैकेट लेके आता हूँ तो यहाँ पे मैगी वगैरह बना के रख जाओ, ठीक है? ठीक है। हम वैसे वाई वाई लेके आए थे, वाई वाई बनाते हैं, पानी में मत गिर जाइयो। तो वो जैकेट लेके आते हैं, वो जैकेट ना बहुत अच्छा लग रहा था वीडियो में और मेरे को फोटोज वोटोज भी अच्छी आ रही थी उसमें। भाई साहब मेरी मेहनत बच गई, ये जैकेट ना अभी पीछे ना कोई आर्मी वाले भैया जा रहे हैं उनको मिल गया था तो वो उठा के लिया है। भाई ये जो आगे गाड़ी जा रही है ना इसी में कुछ आर्मी वाले लोग थे, उन्हीं ने ना मेरी जैकेट उठा ली थी। भाई साहब इतना हम इनसे डरते हैं, उससे ज़्यादा ये हमसे डर रहे हैं। चलो भाई ये काम बढ़िया हो गया, हमारा जैकेट भी मिल गया और मेरे लौंडे ने तब तक मैगी भी बनाई हुई होगी भाई। भाई मैं तो सोच रहा था लौंडे ने मैगी वैगी बना के रखी होगी, जाके बस हम खाएंगे, ये लौंडे ने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है। हमारा भाई ना मैगी बनाने के लिए बैठ गया, उसको चम्मच चाहिए लेकिन चम्मच गंदी पड़ी है तो चम्मच धो लेते हैं। ओहो ओहो, यहाँ तो पूरा भीग जाएंगे भाई, यहाँ धोते हैं। तो भाई फाइनली हमारी मैगी बन चुकी है और मैगी खाते खाते ना पीछे नज़ारे देखो भाई, क्या बढ़िया वाटरफॉल आ रहा है। ये मैगी वगैरह खा के हम लोग आगे को निकल गए और थोड़ा सा आगे निकले थे तो सामने ये माउंटेन दिखा है। ये माउंटेन देखो, देखने में कुछ कुछ श्रीखंड महादेव जैसा ही लग रहा है, वैसे ही शेप है और उसी तरह का विशाल पर्वत है भाई। तो भाई हम लोग किसी पास पे पहुंच चुके हैं, कौन सा पास है ये देख के बता। जहाँ पे पास का नाम लिखा होगा वहाँ तो लोगों ने भाई साहब स्टिकर लगा लगा पास का नाम ही नहीं लिखा हुआ इस पे। तो भाई आज के दिन का हमारा पहला पास, इस पास का नाम है भाई लांग रूला। और भाई इसको देखोगे ना सामने,
यहाँ पे वैसे बोर्ड लगा हुआ है लेकिन लोगों के इतने स्टिकर यहाँ पे लग गए हैं कि पास भाई दिखाई नहीं दे रहा कि कौन सा पास है, कितना हाइट पे है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन इसमें मेरे को थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, 16,900 फीट की ऊंचाई पे है शायद, 16,900 फीट की ऊंचाई पे है। बाकी आप में से किसी को बताया तो मुझे बताना भाई इस पास का नाम क्या है। मैंने अभी पीछे से जाके देख के आया हूँ तो लांगरू ला लिखा हुआ है भाई इस पास के पास में, और मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई पासिस होते कैसे हैं। ठीक है, पास क्या होता है भाई, पास होता है एक माउंटेन का टॉप, ठीक है, जिसके इस तरफ भी ढलान होती है, इस तरफ भी ढलान होती है। अभी देखो इस पास से इस तरफ को नीचे को कुछ ऐसे नज़ारे हैं, और अब चलते हैं पास के दूसरी तरफ। ये हम दूसरी तरफ को आ गए, हम इस तरफ से तो हम आए थे, इस तरफ को भी हमें जाना है। देखो रास्ते कैसे हैं भाई, ये ऐसा 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 करके करके कितने नीचे जाना है हमें, वहाँ पहुँचते हैं पार। कितनी भयंकर बर्फ जम रही है यार, ये लो बर्फ खानी है किसी को। तगड़ी वाटर वॉशिंग है यार, निकाल लेगा निकाल लेगा। हाँ हाँ बहुत चालू हो रहा है, नॉर्मल पानी होता तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये ग्लेशियर का पानी अगर जूते में घुस गया ना जूते की रेड मार देगा। ये देखो भाई चूहे, लगभग 100 किलोमीटर हो गया चलते हुए लेकिन अभी तक ना कोई गांव आया ना कोई दुकान आई है ना कुछ आया भाई। लगभग 100 किलोमीटर बाद ना कोई इंसानों की बस्ती आई है भाई। भाई साहब सामने के नज़ारे देखो, हम ना एक और पास में पहुंचने वाले सिरसिरला, सिरसिरला ये है भाई सिरसिरला पास, जहाँ पे लिखा रहता है ना कि कितनी हाइट है पास का नाम, वहाँ पे अपने स्टिकर मत लगाया करो यार, पता नहीं लगता पीछे वाले पास है तो पता ही नहीं लगा कौन सा पास था, ये तो फिर भी दिख रहा है। इस पास की हाइट है भाई 15,700 फीट, काफी ऊंचाई पे है भाई सिरसिरला पास। और ये वाले पास के बारे में ना मैंने इसका नाम पहले कभी सुना था ना किसी YouTube वीडियो में इसको देखा था। अब देख लो भाई साहब लगातार आज के दिन में ये हमारा दूसरा पास पड़ा है। इस तरफ कुछ ऐसे नज़ारे, ठीक है, और इस तरफ देखो कुछ ऐसे नज़ारे हैं भाई। और अब यहाँ से जो दूसरा विलेज पड़ेगा वो पड़ेगा भाई 40 किलोमीटर। चलो भाई सिरसिला पास से हम लोग नीचे को निकल गए, अभी हम 15,700 फीट की ऊंचाई पे। भाई साहब हमारे साथ कोई कांड ना हो ऐसा हो नहीं सकता, मतलब डेली ना कुछ कांड हो ही जाता है। अब क्या कांड हुआ, अब कांड हुआ मेरे साथ में, मेरी जो बाइक है ना उसकी चैन टूट गई है रोहित, अब क्या करेंगे। और यहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं है, और हम ऐसे रूट पे हो रहे हैं जिस रूट पे ना कुछ नहीं है, ना कोई बस्ती है, पिछले 100 किलोमीटर से ना कोई घर नहीं दिखाई दिया, बस बीआरओ के छोटे मोटे कैंप बने हुए थे। बाइक की ना चैन ढीली हो रही थी, मेरी लापरवाही थी थोड़ी कि मैंने टाइट नहीं करवाई, टाइट करवानी चाहिए थी, लेकिन देखो जो हो गया वो हो गया, अब ना चैन इसमें फंस चुकी है। तो अब माथा पकड़ के बैठ जाएं और सोचते रहें कि भाई क्या हो गया क्या हो गया, कोई फ़ायदा नहीं है, तुरंत ना अपना दिमाग चलाना चाहिए और सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। नहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी के सब डिस्क खुल के हाथ में आ जाएं सारे, हैं दो ही नट खोलेंगे और कुछ खोलेंगे नहीं ज़्यादा। हमारे पास पोहा है ना और हमारे पास गैस है, नमक मिर्च फेंक दिया आज, बहुत बढ़िया काम किया है, ठीक है, मतलब कुछ नहीं मिला था, हम लोग खाना खा सकते हैं रात को यहाँ पे काट के, खराब हो गई टूट गई मेरे ख्याल से, जो भी है देखा जाएगा, टायर तो खिसक नहीं रहा, और करूँ रुक चल रुक भाई ये क्या हुआ ये क्या निकला ये इसका निकला है गोल गोल क्या दिक्कत है अभी लिक्विड लगेगा क्या आराम से ऐसा टायर खुल जाए और हम टायर को जोड़ ही ना पाए फिर हटा सारा सामान निकाले सबसे पहले पूरा सामान उतार तो गाड़ी हल्की कर देंगे क्या ये बाइक थोड़ी सी उठानी है हाँ? उठानी है इधर को अपनी तरफ झुकानी है हाँ? टायर हवा में हो जाए अच्छा फिर क्या होगा तो लात मार के उधर को करूंगा कहीं ऐसा ना पूरा टायर खुल जाए ना ठीक है चल आराम से पूरा टायर ना गिर जाए तो भाई चलो चेन कर दिखाया भाई हम दोनों भाइयों ने कर दिखाया अब चेन कहां से खुलती है पता है चेन खुलना आती है तेरे को खुलना क्या है तो खुली पड़ेगी टूट तो गई है तो अब ये घूमेगा नहीं आगे से वही उठाना पड़ेगा तेरे को
भाई मैंने ना जिंदगी में आज तक पंचर भी लगाया, एक बार लगाया था वो भी गलत लगा दिया था। चैन तो खोल दिया लेकिन आगे से ना ये फंसी पड़ी है। अब इसको यहाँ से भी खोल देते हैं। खोलना आता था इसको। चैन टूट गई, फंस गई इसमें, टूट गया। हाँ आगे चैन बस खोल रहे, उसका नट नहीं खुल रहा है। ये तो मैंने खोल के टायर खोल के चैन निकाल दी यहाँ से। भाई पीछे वाले चक्के से तो चैन निकाल दी मैंने, पूरा चक्का खोल के निकाली, पहली बार खोला भाई। और आगे का हुआ क्या ना, आगे से भी मैं निकाल दिया चैन, लेकिन जो आगे से जो छोटा वाला चक्का होता है ना चैन का, उसका एक ना नट फ्री हो गया है, तो वो ना खुल नहीं रहा है। ओके भैया जी, थैंक यू सो मच। भाई अभी हमने क्या करा है, चैन पीछे से निकाल दिया, पीछे फंस गई थी, अब आगे यहाँ बांध दिया। भाई साहब बता रहे हैं कि नीचे ना एक बीआरओ का ऑफिस है, मतलब बीआरओ वालों का, वहाँ जा रहे हैं, उनके पास ना पूरी टूलकिट होगी, तो अगर वो आगे से खुल जाए तो उसको खोल देंगे। चले भाई हाँ। कैसा लग रहा है, है? कैसा लग रहा है? अच्छा। तेरे को कैसा लगा था जब चैन फंस गई थी? मैं फंस गया यहाँ पर आज। ऐसे कैसे जब फिर सब भाई है फंसने नहीं देगा तेरे को। गाड़ी मोड़। भाई सब कांड हुए जा रहे हैं यार। अब ये पता नहीं टॉप बॉक्स गिर गया मेरा पीछे, और पता भी नहीं लगा मेरे को यार, निकल गया, मैंने अच्छे से बांधा था यार, लॉक किया हुआ था। आराम से कोई बात नहीं, जो डैमेज होना होगा उसमें हो चुका है। मुझे लग रहा है ढंग से लगा नहीं था भाई। बस और पड़ा, जल्दी उठा ले इसको। मिल गया भाई। भाई साहब हम लोग ना बिहार के कैंप में पहुंच गए, और इनसे ना परमिशन ले लिया, उन्होंने बोल दिया कि आप टेंट वेंट लगा लो। भाई जी क्या एडवेंचरस दिन था यार। तो इस टाइम पे अभी हम आर्मी के कैंप में ही हैं। थोड़ी देर पहले हमने उन्हीं के बैरक में बैठ के खाना खाया, अभी हमको यहाँ पे छोड़ के गए हैं। ये एक नया बैरक बन रहा है उनका, तो कह रहे कि अभी बना नहीं है, इसमें कोई नहीं रहता, आप इसमें रह लो। इनमें ना इंजीनियरिंग वाले लोग भी हैं, जैसे आर्मी में इंजीनियरिंग कॉर्प होता है ना, तो उसके भी कुछ लोग थे उसी बैरक में। तो उन्होंने बोला कि कल हम आपकी मदद कर देंगे, आपकी चैन सही कर देंगे, आप टेंशन ना लो, किसी बात का टेंशन मत लो, आप सही जगह पे आ चुके। थोड़ा सा गंदा बंदा है क्योंकि काम चल रहा है यहाँ पे, और हमको ये रूम उन्होंने दिया है, रोहित ने तो बिस्तर सेट कर लिया। तो अभी के लिए व्लॉग को इतना ही रखते हैं, आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। कल मिलते हैं एक बेहद खूबसूरत से व्लॉग के साथ में, तब के लिए बाय बाय मेरे दोस्त। चलो भाई अब अपना सोने की तैयारी करते हैं।